हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताती हूँ बहुत ही शॉर्ट में, डायरेक्ट। सॉफ्ट एनर्जी है दोस्तों, बस सॉफ्ट एनर्जी। ओके, आपके लिए बहुत ही सॉफ्टनेस उनके हार्ट में आ चुका है, तो यही सॉफ्टनेस बना रहे, किसी को नज़र ना लगे किसी अच्छी एनर्जी, मतलब इस अच्छी एनर्जी को। इसलिए भैरव मंत्र का चांट कीजिए, एंसेस्टर हीलिंग कीजिए। एंसेस्टर हीलिंग के लिए पीपल की पूजा कीजिए, मंगलवार और रविवार छोड़ के जल चढ़ाइए पीपल को। प्रार्थना कीजिए एंसेस्टर के लिए। भगवत गीता का 7th चैप्टर कई बार पढ़ सकते हैं आप, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। भैरव मंत्र से आपको जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, दुश्मन नष्ट होंगे, सब अच्छा होगा। ओके, तो भैरव मंत्र का भी चांट कीजिए, अच्छे से अच्छे कर्मा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क। सिर्फ रेकी है, क्योंकि रेकी 7 चक्रों पर आधारित है, कुंडली एक्टिवेशन पर आधारित है, और हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी भी जो है 7 चक्रों पर और कुंडली एक्टिवेशन पर आधारित है। तो बहुत ही डायमेनिक एनर्जी, बुरी शक्तियाँ आपको बहला फुसला सकती है कि रेकी मत सीखो, क्योंकि उनको अपने डुप्लीकेट जो वीडियोज़ है या जो भी फालतू वीडियो बेचने हैं, तो इसीलिए जो है वो आपको रेकी से दूर करने की कोशिश करेंगी। तो भैरव मंत्र का जप कीजिए, हर एक बुरी शक्ति आपसे दूर हट जाएगी। तो आपको ये भी बता सकती है कि मंत्र साधना ना करें तो बच के रहिए, कि देखो भैरव कुछ अलग नहीं है, भैरव महादेव के ही अवतार है, ईश्वर का हर एक रूप है। गणेश जी जो है पुत्र का रूप है, तो माँ पार्वती माँ का रूप है, भगवान शिव बाप के रूप में है, श्री कृष्ण प्रेमी के रूप में है, तो भैरव जो है वो हमारे संरक्षक के रूप में है दोस्तों। तो सुरक्षा की हमें बहुत ज़रूरत है, हम एम्पैथ हैं, किसी भी एनर्जी को हम मतलब चूस लेते हैं ऑटोमेटिक, तो हमारा बहुत नुकसान होता है। इसलिए भैरव जो है हमारी रक्षा करते हैं, तो इस मंत्र का जप कीजिए भैरव का। शाम को 21 माला भैरव मंत्र का जप कीजिए। मंत्र बताती हूँ, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म। दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कीजिए, आज गणपति जी अथर्वशीष के भी पाठ कर सकते हैं। रोज 21 बार अथर्वशीष के भी अगर पाठ करते हैं तो भगवान श्री गणेश सारे विघ्नों से आपको दूर रखते हैं दोस्तों। एंजल इस जर्नी में जो है सारे अकर्ट साइंस आपकी मदद कर सकते हैं। रेकी में जो है एक तपस्वी, एक योगी अगर 40-40 साल तक तपस्या करता है किसी वन में, अघोरी तपस्या, अघोरी साधना कहिए, या जी जान लगाकर जो प्रैक्टिस करता है उसके बाद जो सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती है वो सिर्फ रेकी में कुछ ही दिनों में आपको प्राप्त हो जाती है। तो रेकी सीखिए, बहुत टाइम जाकर पछताकर ये करने से अच्छा है कि तुरंत सीख लीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे उसके। एंजल थेरेपी सीख सकते हैं आप, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, ये सब आपके फायदे के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉरोस्कोप रीडिंग सीख सकते हैं, जो चाहे वो सीख सकते हैं, इस जर्नी में आपको सिर्फ मदद ही करेंगे। और ऐसी गलतफहमी में रहने से अच्छा है कि कंफर्मेशन लेना चाहिए डिवाइन फेमिनाइन से। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप बायरेकी के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट होना हो सकते हैं, और सेशंस भी मैं लेती हूँ। जो मुझसे सेशंस लेते हैं बाद में वो ऐवी भी मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब देती हूँ, उसके लिए चार्जेस नहीं लगते। तो आप सेशन बुक कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, मंत्र साधना कीजिए, बस आपका कल्याण हो। भाद्रपद मास आ रहा है तो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। देखिए अगर आपके कर्मा अच्छे हैं, सिर्फ कुछ लोग जो है सिर्फ नाम के लिए पितरों के लिए करते हैं, बट कई बार वो कुछ ऐसे कर्मा करते हैं, ब्लैक मैजिक्स करते हैं, या जिसकी वजह से उनके पितरों को शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका पुण्य कर्म जो है उतना प्रभावी नहीं बन पाता। अगर आप कोई बुरा कार्य कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं इसकी भरपाई कर दूंगा, पितरों को खुश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अच्छे कार्य जीवन में नहीं किए हैं। तो सबके साथ अच्छे कार्य कीजिए, ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद कीजिए, खुद के प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।